साथियों नमस्कार। अभी की सबसे बेहद बुरी खबर आ रही है साथियों, 2 मिनट पहले इस तरह से हादसा हुआ है। एक एक्सप्रेस बस में आग लग गई जिसमें 25 यात्री जिंदा जल गए। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी बड़ा हादसा हुआ। साथियों इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों के लिए आत्मा की शांति जरूर मांगेगा, उनके परिवारों को सहन शक्ति देने की। जी हाँ दोस्तों, शक्ति दे भगवान। आपसे निवेदन है कमेंट बॉक्स में साथियों उनके लिए एक कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को उनके लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसमें हादसे में बताया जा रहा है कि साथियों मुख्यमंत्री तक लेकर सभी भावुक हो गए हैं। महाराष्ट्र के बुलढाणा में शुक्रवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। नागपुर से पुणे जा रही बस बुलढाणा जिले के सिंदखेड़ा राजा में समृद्धि की महामार्ग एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में बाद में बस में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है 33 यात्री सवार थे। हादसे के बाद सभी यात्री सो रहे थे। जब बस में आग लगी तो लोग संभल नहीं पाए और 25 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं 8 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। ये बस विदर्भ ट्रेवल्स की है। बस नागपुर वर्धा के यवतमाल को लेकर यात्रियों को लेकर पुणे जा रही थी। देर रात सिंदखेड़ राजा में पीपल खूटा गांव के पास समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर बस डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। बस में आग लग गई जिसमें 25 जिंदा जलकर मौत हो गई। देश के प्रधानमंत्री भी साथियों भावुक हुए हैं। इस तरह की बेहद दर्दनाक खबर है। वीडियो को लाइक शेयर करें।